So yesterday, what we have learned about the solid, liquid, and gases, and about what is matter. So just quickly write down in your chat box that what is matter. You will just revise it that matter is everything around us, like every solid thing, liquid and gases, it's all the matter. So we have seen yesterday about the gases, that the composition of gases in the atmosphere and the color of the gas and the smell of the gas. So chlorine gas is yellow in color and hydrogen sulfide smells like a rotten egg. So today we will move on to our next topic, that is 3.2. Matter is made of particles. कि matter जो है जो हमने देखे solid, liquid, gas, वो किससे बने हुए हैं? Particles से बने हुए हैं. क्या अब इसको हम detail में देखेंगे कि किसका हम कह सकते हैं कि ये solid है, liquid है और गैस है. उसके पार्टिकल से हमें पता चलेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है और इनका बिहेवियर क्या है. सो मूव ऑन टू आवर टॉपिक 3.2, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. द वर्ड्स यू हैव टू लर्न इज मैटर एंड पार्टिकल. मैटर क्या है? मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, इर्द गिर्द आपके जो भी चीज है दैट इज द मैटर. अब पार्टिकल क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टिकल? पार्टिकल आप किसको कहते हैं? अ पार्टिकल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग. किसी चीज का बहुत छोटा पार्ट हो उसको पार्टिकल कहते हैं. यानी कि आप कोई चीज है तो आप उसको क्रश करते जा रहे हैं. लाइक यू डू मोस्टली द स्टूडेंट्स आर क्रशिंग द रबर. क्या रबर को क्रश करके बहुत उसका छोटा सा पीस है वो क्या कहलाता है? पार्टिकल कहलाता है. इसी तरह मैटर जो भी आपकी चीज है उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको पार्टिकल कहते हैं. सारे जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना होता है और पार्टिकल्स किसे कहते हैं? एटम को और मॉलिक्यूल्स को. जब ये एटम्स मिल जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बना देते हैं. इट्स लाइक यू सी इन द डायग्राम दैट दिस वन इज द स्मॉल राउंड लाइक सर्कल, वी कॉल्ड इट अ मॉलिक्यूल और द पार्टिकल. अब मॉलिक्यूल के अंदर सबसे छोटा पार्ट जो है वो पार्टिकल एटम है. सो यू कैन सी दैट दे ऑल जॉइन टुगेदर टू मेक अ शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. अब ये मैटर जो है वो किस तरह बना हुआ है कि किस तरह सारा मैटर बना है? एक छोटे से पार्टिकल से एटम. इन द मिडल यू कैन सी द That atom, middle में आपको जो नजर आ रहे हैं that is the atom. अब ये atoms join होके क्या बना रहे हैं? Molecule बना रहे हैं. फिर two or more molecule हो जाएंगे तो compound हो जाएगा. अगर same atom होंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये arrow show करेगा, element बन जाएगा. फिर element मिल गए तो compound बन गया. फिर atoms मिले तो ये मॉलिक्यूल बन गया. सो दैट इज द मेकअप ऑफ मैटर. के मैटर किस तरह बने? एटम्स जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो जब ज्वाइन किए तो मॉलिक्यूल बन गया. फिर अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए तो कंपाउंड बन गया. अगर सेम एटम्स हैं तो बन गया एलिमेंट बन गया. फिर एलिमेंट अगर दो ज्वाइन कर गए तो कंपाउंड बन गया. तो इस तरह आप कहते हो कि मैटर जो है सब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाते हैं और फिर यहाँ लिक्विड की शक्ल इख्तियार हो जाती है, सॉलिड की
या फिर गैस की। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स के सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है, जिससे सारे मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जहाँ वाटर जो है वो कंपाउंड है, H2O, ये इसमें एटम्स मिल के कंपाउंड बने। अब साइंटिस्ट ने कहा, क्योंकि आप इनको नहीं देख सकते अपने नेक्ड आई से, आप इतने छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, तो फिर साइंटिस्ट ने यूज किया साइंटिफिक मॉडल के इन पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया जाए, कि इस मैटर के पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया जाए। फिर पार्टिकल मॉडल हमें क्या बताता है? नंबर 1 पॉइंट, कि ये एक साइंटिफिक मॉडल है, ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको बनाया है ताकि हमें पता चले, इसका बिहेवियर पता चले मैटर का, कि वो क्या चीज है, तो इसलिए उन्होंने पार्टिकल मॉडल बनाया। फिर नंबर 2, पार्टिकल मॉडल एक्सप्लेन करता है कि व्हाई एंड व्हाई समथिंग हैपेंस, कि अगर एक चीज चेंज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ये किस तरह हो रही है और क्यों हो रही है। फिर इससे आपको पता चलेगा कि ये चीज सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। जैसे आप पार्टिकल्स देख रहे हो, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जबकि लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस आ गया है और गैस में बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं। तो इस पार्टिकल मॉडल से इसका पता चला है कि ये क्या चीज है, अगर पार्टिकल ज्यादा टाइट है तो वो सॉलिड है, अगर थोड़ी सी स्पेस है तो वो लिक्विड है, और गैस जो है उसमें पार्टिकल्स के दरमियान ज्यादा जगह है। तो पार्टिकल मॉडल क्या है, कि आपने राउंड सर्कल में पार्टिकल्स को शो कर देना है। अब ये एरो बता रहे हैं कि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ लीक दैट दीज एरोज आर मूविंग, एरोज के इसके साथ बम्प कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज द पार्टिकल मॉडल, जो साइंटिफिक मॉडल है, और किस तरह कोई चीज वजूद में आ रही, किस तरह ये प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारे पार्टिकल मॉडल से पता चलेगा। अब प्रिंसिपल्स कुछ हैं पार्टिकल मॉडल के, वो हमें पहला पॉइंट ये बताते हैं कि सारे मैटर जो हैं वो किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से। सारे मैटर सारे पार्टिकल से बना हुआ है। सॉलिड में आप देख रहे हो कि अगर आपको वाइब्रेशन नहीं भी नजर आती, फिर भी ये पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं और फिर गैस के। सो नंबर 1 प्रिंसिपल जो पार्टिकल मॉडल का है, दैट इज द ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, द पार्टिकल्स इन मैटर इज ऑलवेज मूविंग, कि ये पार्टिकल जो है वो हर वक्त मूव करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट हमने देखा कि सारे पार्टिकल्स, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल इन मैटर इज ऑलवेज मूविंग, कि ये हर वक्त मूव करते रहे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अब ऐसा ऐसा हम देखेंगे, ग्रेजुअली वी विल सी दैट हाउ व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कि टाइटली पैक्ड है, ठीक है, और अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करते हैं, और फिर अपने फिक्स पोजीशन में वाइब्रेट करते हैं, और वॉल्यूम भी इनका फिक्स है। तो कल हमने बात की थी वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम क्या है, कि एक चीज ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, दैट इज द वॉल्यूम। यानी कि एक सॉलिड चीज है तो वो आपको
अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कितना कितनी स्पेस जो है उस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की हुई है। सो सॉलिड्स के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सके, तो और वाइब्रेट कर कहते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन में, और वॉल्यूम भी है उनका फिक्स्ड है। फिर लिक्विड की बात करें तो उनके पार्टिकल्स जो हैं क्लोज होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे बम्प कर सकते हैं। यू कैन सी दैट दे आर स्लाइडिंग के पास ईच अदर, एक दूसरे पे बम्प कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को वो इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स है। इनके आप कंटेनर में पानी रखेंगे तो फिर उससे वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना 1 ml है या 2 ml है, तो दैट इज द लिक्विड। गैसेस, गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, यू यू कैन सी इन अ डायग्राम दैट इट्स ऑलवेज मूविंग, के मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस होगी तो उसके पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्या उनकी गैसेस की कोई शेप भी नहीं होती और कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं, क्या इनके प्रॉपर दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस लेकिन फिक्स वॉल्यूम इनका नहीं होता। देन यू हैव द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी की गई थी जिससे पता चला कि स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के, क्या ये कैसे पता चला कि जब सॉल्ट और शुगर को मिक्स किया गया, क्या शुगर को या सॉल्ट को जब आप मिक्स करते हैं तो वो इजीली मिक्स क्यों हो जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट जो है जो वाटर के दरमियान स्पेसेस हैं उसमें एंटर हो जाता है और टोटली मिक्स हो जाते हैं। जैसा डायग्राम में आप देखें कि वाटर है और उसमें शुगर ऐड किए हैं, फिर उसको स्टर किया गया है अच्छी तरह, जब स्टर किया गया है तो फिर शुगर के पार्टिकल जो हैं वो प्रॉपरली तौर पर मिक्स हो गए हैं, उसने जो वाटर के दर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस थी वहां पे जाके ऐड हो गए हैं और मिक्स हो गए हैं। इसी तरह सॉल्ट के साथ भी होता है कि अगर आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करो तो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं उसके अंदर एंटर हो जाते। ओके स्टूडेंट्स, कैन यू सी दैट एटम्स दैट मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यू कैन सी दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैन यू सी इट, थम्स अप द रिएक्शन।
ओके अपोलोजाइज फॉर इट. सो यू कैन सी दैट मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू एंड इट्स मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम. सो दैट इज द एटम कॉल्ड मॉलिक्यूल. सो एटम्स when the same atom they make the element and with the two or more atoms they make the molecule. Different molecules they make the compound. ab particle mole kya tha ki aapke explanation mil rahi hai ki matter jo hai wo kis tarah bana hua hai, kis tarah kya iska behavior hai, phir aapko pata chalega के डिफरेंस क्या है सॉलिड लिक्विड और एसिड का. फिर प्रिंसिपल क्या है पार्टिकल मॉडल का के मैटर जो है ऑल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल. सारे मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं. फिर दूसरा के द पार्टिकल इन मैटर इज ऑलवेज मूविंग के ये हर वक्त जो है मूव करते हैं. फिर सॉलिड का हमने देखते कि ये टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हैं कि अपनी शेप जो है वो चेंज इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप और फिर वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन में. सो दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम. सो लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड दे स्लाइड ईच अदर. सो यू कैन सी इन द पिक्चर that they slide past each other. Can they can change the apni shape ko wo change kar sakte hain. Jaise container mein aap water dalte ho to us tarah ki shape ban jati hai. Isliye iska fixed volume hai. The gas ke paav dekhen ki ye ek dusre se dur ja rahe hain. Inki koi fixed shape nahi aur na hi volume hai. फिर एक्टिविटी जो अभी मैंने आपको बताई थी कि जब आप मिक्स करते हैं तो फिर जो सॉल्ट या शुगर है ये प्रॉपरली तौर पर मिक्स हो जाता है. देन एक्टिविटी है आपकी बुक में कि अगर सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये सॉलिड के अगर थोड़ा सा दूर है और हाथ पकड़े हुए हैं तो ये लिक्विड. फिर अगर हाथ भी नहीं पकड़े हुए तो फिर ये गैस के पार्टिकल्स को शो करेंगे. तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपने अपनी कॉपी पर करने हैं. तो वी विल लुक इनटू दैट क्वेश्चंस. सो यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चंस ऑन योर कॉपीज. दैट्स योर होमवर्क. कंपेयर व्हाट हैपेंड व्हेन यू ट्राई टू शेक अ सॉलिड लिक्विड and guesses. We could shake our body as solid but not our arms because they were linked tightly with people next to us. ke aap agar shake nahi kar sakte kyunki aapke haath jo arms jo hain wo tightly hain. agar aap shake kar sakte hain easily as when you are in the form of liquid or gases ke form mein jab aap ikatthe hue the. Next question, what happened when you try to remove to move closer together in each case? So we could not move closer together or farther apart as solid. We could as liquid but our arms remained linked. सम पिक्चर में आपने देखा था कि उनके हाथ जो थे वो लिंक थे एक दूसरे से. क्या लिक्विड में लिंक थे और लेकिन वो लाइंस में थे. गैसेस में आप क्लोजर भी हो सकते हो और दूर भी जा सकते हो. नाउ थर्ड क्वेश्चन के चेंज व्हाट हैपेंड व्हेन यू ट्राई टू चेंज द शेप ऑफ ईच ऑफ योर ग्रुप. वी कुड नॉट चेंज द शेप ऑफ आवर ग्रुप एज सॉलिड एज लिक्विड. वी कुड चेंज शेप इन सम वे बट वी रिमेन्ड इन लाइन एंड एज गेसेस वी कुड इजली चेंज द शेप ऑफ आवर ग्रुप. के आप दोनों
यानी कि थर्ड जो है वो बता रहे कि फिक्स्ड वॉल्यूम है और सॉलिड और लिक्विड का, और गैसेस में we could easily change the shape, अपने ग्रुप की शेप जो है वो easily change हो सकती है. So that is for today. If you have any question, you can ask me. Okay, I'll show you again this question. So, did you understand? Okay, just quickly do the question answers. So you can also get that in on your copies.